बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानून शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे कन्फेशन आर्टिकल 37-243 सवाले से डील करता है। क्रॉस रेफरेंस में आर्टिकल 164, 364, 533 ARPC सवाले से डील करता है। सेल्फ आर्मिंग स्टेटमेंट इन क्रिमिनल केसेस आर कॉल्ड कन्फेशन। इन अदर वर्ड, कन्फेशन आर सोर्स ऑफ प्रूफ ऑफ क्राइम इन क्रिमिनल केसेज इन क्रिमिनल मैटर and received on the presumption that a person will not make an untrue statement to his own interest. Confession is a statement made by an accused by admitting his guilt. Aisa statement jo ki confession ke ambit mein nahi aata. Self exculpatory statement do not amount to confession. Aisa statement jo ki ilzam se bari karta ho kisi shakhs ko, aisi statement confession ke ambit mein nahi aati. Gravely incriminating fact even though conclusive also does not amount to confession. Guilty conduct of accused do not amount to confession. Absconding or destroying evidence, इस तरह का अगर किरदार है किसी मुलजिम का तो ये confession के habit में नहीं आएगा। Condition made by an accused, इसके लिए condition ये है कि ये मुलजिम की तरफ से record किया जाता है। Made voluntarily, must be true, किसी किस्म की threat, inducement और promise इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ये किसी तरह से भी allowed नहीं है। Burden of proof की अगर बात करें, if made voluntarily, burden of proof lies on prosecution. Confession not taken on oath, 2002 PCRLJ 1072 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। बर्डन ऑफ प्रूफ इफ मेड वॉलेंटरिली, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। कन्फेशन नॉट टेकन ऑन ओथ, 2002 PCRLJ 1072 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ, जो कि इन एडमिजिबिलिटी की बात करता है ऐसे कन्फेशन की। एक्सेप्ट आर रिजेक्ट एज ए होल, कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ CRPC, ये तमाम की तमाम जो मोड एंड मैनर्स CRPC में प्रोवाइड किए गए हैं तमाम को फुलफिल करना चाहिए। वॉलेंटरीली इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। काइंड्स ऑफ कन्फेशन की अगर बात करें, जुडिशल एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हो सकता है। जुडिशल कन्फेशन ऐसा कन्फेशन है जो कि ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग हो या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने हो, ऐसा कन्फेशन जुडिशल कन्फेशन कहलाता है। और इसके अलावा किसी दीगर जगह पुलिस या किसी शख्स के सामने अगर कोई अपना एडमिट करता है गिल्ट, तो ऐसा कन्फेशन जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है, जो कि वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस होती है। प्रूफ ऑफ जुडिशियल कन्फेशन रिड्यूस इनटू राइटिंग, ओरल इज नॉट एडमिसिबल। कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाएगा, ओरल एडमिशन की कोई वैल्यू नहीं है, एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। एडमिसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल कन्फेशन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 337-39। अगर ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वॉलेंटरीली रिकॉर्ड होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट करती है और किसी किस्म की इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस नहीं होता, और ये तमाम की तमाम वार्निंग देने के बाद लिखा जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू कानून शहादत में इस हवाले से कंसिडर होगी। मेड वॉलेंटरीली, इट मस्ट बी ट्रू एंड ट्रस्ट वर्दी। एविडेंस की वैल्यू, नॉट अटेंड पीस ऑफ एविडेंस, इट मस्ट बी कोरोबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। अगर कन्फेशन जो है रिकॉर्ड हो जाए तो ये एक कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसे स्ट्रॉन्ग कॉरोबरेशन की जरूरत है विद अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स के साथ। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विच इज नॉट मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट नॉर इन द जुडिशियल आर लीगल प्रोसीडिंग इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ऐसा कन्फेशन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिकॉर्ड ना हो या किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान रिकॉर्ड ना हो, बल्कि दीगर किसी जगह भी रिकॉर्ड हो और जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा अगर किसी जगह भी रिकॉर्ड होता है, तो ऐसा कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैसे किया जाएगा? इट मे बी कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट मेड बाय अक्यूज्ड आर मे बी ओरली। इफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इफ ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, देन सेकेंडरी एविडेंस इज ऑल्सो एडमिसिबल इन एविडेंस। एविडेंशियरी वैल्यू ऐसे कन्फेशन की क्या होगी? रिसीव विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, ये बड़ी एहतियात के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की अगर बात करें, अगर ये फुलफिल करता है आर्टिकल 37-39 की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि वॉलेंटरीली फ्री कंसेंट, किसी किस्म की इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस ना हो और अक्यूज इसको रिकॉर्ड कराए, तो फिर ये बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो इस हवाले से तमाम के तमाम मेजर्स प्रोवाइड करता है, जो कि आर्टिकल 37-39 कानून शहादत आर्डर में प्रोवाइड किए गए। रिट्रैक्टेड कन्फेशन, कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड एंड सब्सिक्वेंटली रिट्रैक्टेड आर टेकन बैक आर विड्रॉन। अगर कोई शख्स कन्फेशन करता है और सब्सिक्वेंटली उसको विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसी सूरत हाल में इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू अगेंस्ट द मेकर, इफ फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कानून शहादत,
अगर ये कानून शहादत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लिखा गया देन इट मे बी फॉर्म अ बेसिस ऑफ कन्विक्शन, तो ये सजा की एम्बिट में आएगा। वैल्यू अगेंस्ट द को अक्यूज इट मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अगेंस्ट को अक्यूज बट इट्स वैल्यू प्रैक्टिकली नील, कन्विक्शन नॉट बेस्ड ऑन इट बिकॉज वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस एंड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कोरोबोरेशन। इस हवाले से तमाम की तमाम मैयर्स कानून शहादत में प्रोवाइड किए गए। कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर जनरल रूल इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, किसी तरह से भी पुलिस के सामने नहीं हो सकता कन्फेशन। टू अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चर, टू अवॉइड द कंसिक्वेंसेज ऑफ एडमिटिंग फॉल्स कन्फेशन, कि किसी किस्म का टॉर्चर से बचने के लिए या फॉल्स एविडेंस को एडमिट करने के हवाले से जो मामला हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए कन्फेशन बिफोर पुलिस नहीं हो सकता। फॉर इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ कन्फेसर, स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड एज कन्फेशन, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसेप्शन व्हेन कन्फेसर वाज इन ड्रंक, व्हेन कन्फेशन वाज इलिसिटली इन आंसर टू द क्वेश्चन, व्हेन वार्निंग वाज गिविंग टू हिम दैट ही इज नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ विच इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। जब ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो फिर ये बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग कॉरोबोरेशन की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।